एसबीएन न्यूज चैनल कांकरे तहसील के कमोई गांव में पहुंची है, जहां पीएससी केंद्र की मुलाकात ली। यहां जो पीएससी केंद्र है, यहां 144 लागू होने के कारण सभी गांव लोग अपने अपने घरों में हैं, अभी कोई यहां है नहीं। पर ये जो पीएससी केंद्र है, वहां मौजूद जो कर्मचारी है उससे हम मुलाकात करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, वो लोगों की क्या सेवा करता है, वो वैक्सीन में क्या देता है, वो सैनिटाइजर में क्या देते हैं, उससे हम सेवा करेंगे पूछेंगे कि वो क्या क्या अपने जो लोग हैं वहाँ आते हैं, वो टेस्ट करवाने आते हैं तो क्या क्या वो कहते हैं, उसके बारे में हम पूछेंगे उससे। सब जो कर्मचारी हैं वो उसको ऑर्डर मिला है कि अब अपना स्थान छोड़िए नहीं, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले तब तक ये जो अधिकारी है ये अपने ही पीएचसी में रहेंगे। हम पूछेंगे उसको कि लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, लोग अभी भी गांव में घूमते हैं, वो 144 का पालन नहीं करते हैं, अहीं तहीं वो गांव में निकलते हैं, तो मैं इसके बारे में साहब को पूछूंगा कि उसके बारे में लोक जागृति के बारे में साहब क्या कहेंगे। हाँ जी सर, हम गांव वालों को बताना चाहते हैं कि जो अभी अभी कोरोना संक्रमण ज़्यादा हो रहा है, तो घर से बाहर ना निकले और घर में ही अपना ख्याल रखे, जो होम क्वारंटाइन है वही है, उसका सही इलाज है। तो साहब ने अच्छी तरह से लोगों को समझाने की बात की है कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें, घर के बाहर ना निकले। और आगे मैडम है उसको हम पूछेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। हम कहते हैं कि गामना लोगों ने अमें मुलाकात लीधी है, अमारी टीम गाम में काम कर रही है, और जे लोग बाहर थी आए थे ए लोगों ने अमें यादी बनाई है, और ये लोगों ने अमें होम क्वारंटाइन माटे समझावी है कि तमे बाहर न निकलो, जो सुधी बाहर नहीं निकलो तो तमारी तबियत पण सारी रहेशे अने बीजा आजूबाजूना लोगों की पण तबियत सारी रहेशे। तो तमे दरेके बाहर थी आवेला लोगों ने नम्र विनंती करी छे कि कोई बाहर निकलो नहीं, घर नी अंदर ज रहो, अने बीजा लोगों की पण सावचेती राखो, एटलू जवाब। ओके, तो मैडम ने यह बताया है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उसका जो पंजीकरण करते हैं, घर घर जाकर वो अपना सर्वे करते हैं, कोई ऐसा जो लक्षण दिखाए तो तुरंत अपनी टीम के द्वारा वो उसको दवाई देते हैं,